हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन में। फ्रेंड्स, इसका पहले जो नाम था वो मेक जो क्रिएटर भोजपुरी था, जिसका चेंज करके मैंने अब ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन रख दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है धान पीटनी की मशीन कैसे बनाते हैं, वहां से लेकर के आप जो इसे किस प्राइस में बेचेंगे, इस सभी के बारे में A to Z चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे स्किप मत कीजिएगा, वरना आप एक इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकता है कि मिस कर दें इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक ही जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, धान की मशीन कैसे बनाते हैं, उसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रेम, जैसे कि मैं साल करके रखा हुआ हूँ उसका फ्रेम। इधर से आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एंगल ऊपर उठा हुआ है और इधर का एंगल जो है बरोबर है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो और बगल में देखिए वहाँ पर जो है वो ड्रम है, और यहीं पर आपको एक पुल्ली नज़र आ रही है। ये पुल्ली जो होती है वही जो है इसमें सेट होता है इसके जो है पाइप में, तो पट्टा लगा करके मोटर से या फिर किसी चीज़ से चलाते हैं। तो और फ्रेंड्स, फ्रेम कैसे साला जाता है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे ये एक क्लाइंट का जो है मैं बना रहा हूं, जैसे कि मैं ये धान पीटने की मशीन बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स जो है उनके पास जो है थ्रेसर था, मतलब उसका एंगल काट करके लाए हैं बनाने के लिए। तो ये जो फ्रेम साला जाता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये 2 इंची का एंगल है और ये बगल में 3 इंची का एंगल है। तो ये जो फ्रेम साला जाता है, जैसे आप अगर बेचने के लिए अगर अपने दुकान पर बनाएंगे तो ये 2 इंची के एंगल में ही सारा फ्रेम सालेंगे, मतलब ये भी जो है ये 2 इंची के एंगल में रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो है ये क्लाइंट का है और वो अपना एंगल खुद दिए हैं, मैं सिर्फ इनका बना रहा हूँ। और यही जैसे कि कैसे बना रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको जानकारी पूरा दूंगा, क्योंकि जो कैसे मशीन बनाई जाती है उसके बारे में A to Z जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, और ये आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल यहां से इस समय मैं सिर्फ 5 इंची ऊपर लिया हूं, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कि ये 4 ही इंची चाहिए होता है, या फिर हो सकता है कि जैसे कि 1-2 इंची और बढ़ाना पड़े। तो चूंकि फ्रेंड्स पहली बार मैं जो है कि इसे बना रहा हूं, तो अब चूंकि आपको समझाने के लिए ही मैं आगे से वीडियो बना रहा हूं, ताकि जैसे कि ये कितना पर मांगेगा इसके बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा कि ये कितना ऊंचा चाहिए और किस हिसाब से आप नापेंगे। तो चूंकि इस समय मैं पहली बार बना रहा हूं, तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि नहीं इसका हाइट वास्तव में 5 ही इंची होना चाहिए कि मतलब 4 ही इंची होना चाहिए कि या इससे बेसी होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जब ये पूरा तैयार होने लगेगा तो लास्ट तक जाते जाते आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कितना चाहिए, इसके बाद जो है इसकी दूरी इधर से कितना नापेंगे, उधर से कितना नापेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए नाप करके फ्रेंड्स, चूंकि ये 3 इंची का एंगल है, तो जब मैंने इनका फ्रेम साला था बाहर बाहर, तो आप देख रहे हैं कि 23.5 इंची, मतलब 23.5 इंची मैंने इसका मतलब फ्रेम साला है, और अंदर अंदर जो इसकी दूरी है वो आप देख रहे हैं करीब करीब 17.5, मतलब 18 में 3 सूत कम के आसपास है। तो मैं अब इधर से भी अगर आपको दिखा दूं, तो इधर से देखिए वहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी 4 फीट है, एकदम एक्यूरेट 4 फीट। तो फ्रेंड्स हाइट में जैसे कि उसकी चौड़ाई कितना लें और इसकी मतलब जैसे कि इसकी चौड़ाई कितना लें और उसकी लंबाई कितना लें, ये लेने से पहले जैसे कि आपको एक बात ध्यान देना होगा, जैसे कि आप इस फ्रेम को किस एंगल में साल रहे हैं। तो इसकी चूंकि मैंने 3 इंची के एंगल में साला था, और जो वो ड्रम रखा हुआ है फ्रेंड्स उसके लिए कम से कम जब मैंने नापा था तो हमें अंदर अंदर दूरी चाहिए थी लगभग 17-18 इंची के आसपास। तो मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने 17.5 इंची के आसपास ले लिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब आप लोग वो धान पीटने की मशीन का जब वो ड्रम इस पर सेट करना होगा, तो इसकी चौड़ाई जब भी आप नापेंगे तो आप लोग जो है कि अंदर अंदर कम से कम 17 इंची से लेकर के मतलब 17-18 इंची तक आप जरूर ले लीजिएगा। आप जैसे 16.5 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि 16.5 से 18 इंची के बीच होना ही चाहिए, वरना इससे कम कर देंगे अगर आप, मान लीजिए जैसे 16.5 से कम कर देंगे तो हो सकता है कि वो ड्रम का अगल बगल का ये जो निकला है ना ये उसमें जैसे लड़ने लगे इसके लिए। और इसकी जो चौड़ाई है
वो वहां से यहां तक कितना लें, तो उसके लिए फिक्स है कि पहले हम ड्रम को ही नाप लें कि ड्रम कितना आ रहा है। तो ड्रम अगर हम वहां से टेप लगा रहे हैं यहां तक, तो आप देख रहे हैं करीब करीब ये 40 इंची आ रहा है। और मैंने आपको वो कितना नाप कर दिखाया था, वो आपको नाप कर दिखाया था पूरे 4 फीट। तो चूंकि 4 फीट तो पूरा बाहर बाहर है, लेकिन अंदर अंदर इसकी दूरी कितनी है आप लोग देख लीजिए। जैसा कि मैंने अगर वहां पर मैं टेप लगा रहा हूँ वहां पर ये कुछ इस हिसाब से, तो अंदर अंदर दूरी देखिए कितनी बच रही है, लगभग 43.5, मतलब 43.5 इसके अंदर अंदर की दूरी हो रही है। और चूंकि वो कितना था, वो ड्रम था 40, तो चूंकि जब 40 था और ये 43.5 है, तो मतलब 3.5 इंची ये जो है ये दूरी ज्यादा है, मतलब वहां से लेके यहाँ तक ये 3.5 इंची दूरी मतलब ज्यादा है, उस ड्रम से बेसी है। तो फ्रेंड्स वो होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगल बगल जब हम लोग ड्रम लगाएंगे तो थोड़ा जैसे कि 3.5 इंची है, तो लगभग जैसे कि आप 1.5 इंची के आसपास रख सकते हैं, 1 इंची 6 सूत के आसपास दोनों ओर का, मतलब इधर से भी गैप उधर से भी गैप आप लोग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जैसे कि फ्रेम के बारे में ऊपर की चूंकि आपको दूरी मालूम हो गई कि करीब करीब इधर से लेकर के हम 16.5 से लेकर 18 इंची के बीच रखेंगे, और उधर से इधर तक ड्रम नापने के बाद जितना भी ड्रम आएगा उससे 3.5 इंची बेसी मतलब लेकर के काटेंगे। बेसिकली जब ड्रम बनाया जाता है फ्रेंड्स तो 4 फीट का ही मतलब एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है, मतलब लगभग 40 इंची का ड्रम बनाया जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस ड्रम का जो छड़ काटा गया है वो करीब करीब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ये करीब करीब इधर से 9.5 इंची इधर, और इसके बाद इधर से देखिए कितना बड़ा है, इधर से 8 इंची है। तो मतलब जो है कि 9 दुना के 18, मतलब कि 17.5 इंची के आसपास मतलब इससे बड़ा है। तो 17.5 इंची का मतलब देखिए अभी चूंकि 40 है लगभग, तो 40 में अब आप 17.5 बढ़ा लीजिए और देखिए कि कितनी मतलब वो छड़ जो है वो कितना काटा गया, तो 57 इंची के आसपास आएगा, मतलब 57 इंची के आसपास आएगा, अर्थात ये जो छड़ इसमें का काटा गया है वो 57 इंची। तो चूंकि फ्रेंड्स ये जो है ये मैं अपनी दुकान पर नहीं मोड़ा हूँ, बल्कि इसे मैं मार्केट से खरीद कर लाया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसे मोड़ने का जुगाड़ हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेंड्स जब मैं धान पीटने की मशीन बनाने लूंगा, तो यदि आपके पास ये ड्रम बनाने का जुगाड़ नहीं रहेगा तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि जहां भी धान पीटने की मशीन बनती है अगर आप वहां पर जाएंगे अगर ऑर्डर दे देंगे तो आपको जो है वो बना करके ये ड्रम दे देंगे, और पुलिया जैसे आप अलग से खरीद सकते हैं। तो आप लोग जैसे कि वो क्या प्राइस में मिल रहा है उसका प्राइस प्लस पुलिया का प्राइस आप लोग रख सकते हैं। और बगल में फ्रेंड्स यहां पर जैसे धान उसने वाला पंखा भी मिलता है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा, पहले ये धान पीटने की मशीन कैसे बनती है इसके बारे में आप समझिए। तो फ्रेंड्स ऊपर का ब्यौरा तो आप समझ गए, बगल से भी जैसे कि कितना दूरी रहेगा वो तो बाद में चर्चा करूंगा। अब इसकी हाइट की नीचे से ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कितनी है। तो नीचे से ऊपर की हाइट फ्रेंड्स चूंकि मुझे क्लाइंट ने क्या कहा है कि मैं भैया इसे क्या करूंगा इसी तरह से रखूंगा, मतलब गाड़ूंगा नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब वो गाड़ेंगे नहीं तो मैंने इसकी हाइट जो है लगभग 29 से 29.5 के आसपास रखा है, देखिए 29.5 के आसपास। अगर फ्रेंड्स जब आप लोग जिसे बेचने के लिए अगर बनाएंगे जो मतलब ये जो धान पीटने की मशीन है जो अगर आप लोग बेचने के लिए बनाएंगे तो कम से कम आप जो है इसकी ऊंचाई 3 फीट रखिएगा। 3 फीट इसलिए रखिएगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब क्लाइंट ले जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या बहुत लोग क्या करते हैं कि नीचे से कम 6-7 इंची जमीन में गाड़ देते हैं जब वो धान का जब जैसे धान जब पीटने लगते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स तो चूंकि अब देखिए ये फ्रेम ऊपर का सला गया है, अब नीचे जो है यहाँ से भी एंगल से ही बांधा जाएगा, मतलब एंगल से चारों ओर बांधा जाएगा। मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखा दे रहा हूँ बगल में, ये देखिए यहाँ पर एक मशीन है जिसके ऊपर नीचे गया फ्रेम किस हिसाब से बनाया गया और बगल में किस तरह से ड्रम रखा गया है और चादर किस तरह से लगी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब चूंकि आपको ये समझ में आ गया कि मतलब कि इसके अंदर के से अंदर यहाँ से दूरी करीब करीब 16.5-17 लेंगे और वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उस ड्रम के हिसाब से जितना भी ड्रम आएगा उस हिसाब से नाप करके 3.5 इंची 4 इंची अपने हिसाब से मतलब बढ़ा करके इसकी लंबाई लेंगे। तो अब देखिए हाइट भी समझ गए कि करीब करीब 3 फीट हमें हाइट ऊपर रखना है। तो अब जो है कि इसमें ड्रम कैसे सेट किया जाता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं उस ड्रम को उठा लेता हूँ, ये फ्रेंड्स देखिए ये ड्रम को मैं उठा लिया, अब इस ड्रम को जो है मैं इसी पर रखता हूँ
मैं अकेले ही उठा रहा हूँ इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये ड्रम रखा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए इतना लगभग थोड़ा सा गैप इधर, मतलब एक इंची, जैसे कि दो इंची में दो सूत कम के आसपास, और इधर भी देखिए दो इंची में दो सूत कम के आसपास, चूंकि 3.5 इंची था तो ये तो हो गया, मतलब इतनी दूरी इधर से, मतलब थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा इधर गैप। और जैसे कि नापी के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, देखिए ये 2 इंची में 2 सूत कम इधर हो गया, और इधर का भी हम देख लेते हैं कि ये 2 इंची में 2 सूत कम है कि नहीं, तो मतलब दूरी उसी हिसाब से बराबर बांटेंगे। तो ये देखिए 2 सूत में, मतलब 2 इंची में 2 सूत कम, ये भी एकदम करेक्ट है। तो अब तो ये पता चल गया फ्रेंड्स कि ये जैसे इसकी दूरी अब इस हिसाब से मतलब बांट लेनी है, कम से कम इतना इतना फाँक होना चाहिए 2 इंची में 2 सूत कम का, मतलब इतना इतना फाँक होना चाहिए। आप 1-1 इंची का भी अगर फाँक दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जैसे कि 1-1 इंची का भी फाँक रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अब देखिए, अब ये हो गया। अब दूसरा बात यहाँ पर आता है कि ब्लॉक को सेट करना। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक जो उसी क्लाइंट ने हमें दिया है जिनका मैं ये धान पीटने की मशीन बना रहा हूँ। तो अभी मैं जैसे इसका नट बोल्ट खोल लेता हूँ, ये देखिए, और इसमें जो ये चाइना वाली बैरिंग है, देखिए ये अपने आप निकल जाता है और फिर इसमें लग भी जाता है, ये बैरिंग है। तो अब देखिए कि अब ब्लॉक हम किस तरह से सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चूंकि ये तो मालूम हो गया कि इसके बीच का गैप हम दूरी जैसे बराबर बांटेंगे, 1 इंची रखेंगे, या फिर जैसे कि 1.5 इंची भी रख सकते हैं, या फिर जैसे 2 इंची बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1.5 इंची बहुत है, या फिर 2 इंची में 2 सूत कम इसकी दूरी है। आप तो जैसे उसे तो मैंने आपको नाप कर दिखाई दिया। अब ब्लॉक सेट करने से पहले फ्रेंड्स कि ये ब्लॉक कहाँ पर आएगा, उसके लिए सबसे पहले आप ये देख रहे हैं इसका दांता ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, फिर इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए। अगर ये दोनों बराबर आ जा रहा है तो वहीं पर जो है कि इस ब्लॉक को उसके अंदर घुसा करके इसे रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि हम पहले इसमें पिला ही लेते हैं, जैसे इसमें इसको ब्लॉक को इसमें घुसा ही लेते हैं कुछ इस हिसाब से, और यहाँ पर कुछ इस हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेट हो गया। तो अब हम जैसे कि टेप लेकर नापते हैं कि मतलब जैसे कि कितनी दूरी आ रही है। तो जब हम इसे नीचे करते हैं, इसे नीचे करते हैं, तो ये अगर मैंने टेप से नापा यहाँ से लगाकर, तो ये देखिए ये लगभग 1 इंची 1 सूत के आसपास बता रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ हम इधर नाप रहे हैं, अगर हम इधर नाप रहे हैं तो ये देखिए कितना बता रहा है, ये करीब करीब 2 इंची में 2 सूत कम बता रहा है। तो यानी कि हम पहले 1.5 पर इसे बांट लेते हैं। तो चूंकि अब देखिए ये है, तो अब हम चूंकि इसे 1.5 पर ले लेते हैं पहले घुसका करके, तो ये थोड़ा सा इसे मैं इधर मार लेता हूँ, ये इसे पहले 1.5 पर ले लेता हूँ, ये आधा बहुत ज़्यादा हो गया है, ये देखिए 1.5 इंची इधर हो गया ना लगभग। अब हम इधर का भी देखते हैं कि इधर का भी 1.5 इंची हो जा रहा है कि नहीं। तो इसको कुछ इस तरह से करके नापते हैं, ये देखिए मतलब इधर भी 1.5 हो जा रहा है और इधर भी 1.5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये ब्लॉक जो है सेम टू सेम यहीं पर जो है फिट होगा। तो यहाँ पर फिट होने के लिए अब देखिए इसे कुछ इस हिसाब से एंगल के एकदम बीचों बीच थोड़ा सा इधर से निकल कर, ध्यान रखना कि इधर से जितना निकल रहा है उधर भी निकल रहा है, उस हिसाब से जो है इसे सेट करके, मतलब अब तो ये फिक्स हो गया, क्योंकि जब हमने दूरी उधर का और इधर का नाप लिया इसमें जो है घुसा करके, तो अब तो पक्का हो गया कि हमें जो है ब्लॉक यहीं पर सेट करना है। तो इसमें देखिए, तो ये इसमें देखिए अगल बगल ये 2 है, मतलब होल है, तो ये जो है ये एंगल में ही सेट होगा। तो यहाँ पर जैसे दूधिया से मार्किंग मार करके आप ड्रिल मशीन से होल मार लीजिए, होल मारने के बाद जो है इसे कस लीजिए, और उसके बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है, तो जब बैरिंग को इसमें पहनाने के बाद, इसमें पहना लेने के बाद जो है इस टोपी को इसके ऊपर कुछ इस हिसाब से रख करके आप लोग जो है इसमें नट बोल्ट से कस देंगे तो एकदम फिट एक जगह जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपने इधर का भी ब्लॉक नाप करके जोख करके इस तरह से रख लिया, और आप लोगों ने इधर का भी ब्लॉक जो है इसी तरह से नाप जोख कर रख लिया, तो मतलब जो है कि अब चूंकि अब ये तो दूरी सेम टू सेम बराबर है और इतना ये बाहर निकला हुआ है, तो ये पंखा के लिए इतना बाहर पर्याप्त है। तो जो है जब मोटर इस पर लग जाता है तो ये कुछ इसी प्रकार से घूमता है, ये देखिए कुछ इसी प्रकार से घूमता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि अब ये जो हाइट है, मतलब कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इंची से टेप से नाप करके कि मैंने जो इसकी हाइट
लगभग देखिए 4.5-5 के आसपास रखा था, 4.5 ही है, देख लीजिए 4.5 है। तो अब मुझे ये तय करना है कि इसकी दूरी जो मैंने जो 4.5 लिया है वास्तव में सही था कि गलत था। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बगल में आपको ड्रम नजर आ रहा है ना, तो ड्रम लगाने के बाद मतलब जैसे कि ये ब्लॉक लगाने के बाद फिर जो है यहाँ से इस एंगल के पास से मतलब वहां से एंगल के पास से इस ड्रम के सबसे ऊपरी कोर को नापी कि कितना आ रहा है। तो यहां से अगर मैंने टेप लगाया मतलब इस एंगल के पास से उसके अंदर से टेप लगाया तो यहां पर लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं देख रहा हूं कि ये लगभग 6.5 आ रहा है। और मैंने इसे किया कितना है, मैंने इसे सिर्फ 4.5 किया हुआ है। तो यानी कि 2 इंची अभी ये डाउन है, मतलब कि हमें चाहिए था कितना 6.5 और ये है 4.5, मतलब 2 इंची अभी डाउन है। तो अब इसके लिए अब आपको मैं चेतावनी दे देता हूं कि जब भी आप फ्रेम सहलिएगा तो इसकी जो दूरी रखिएगा वो करीब करीब आप लोग 6.5 रखिएगा। क्योंकि मैंने तो अब पहली बार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पहली बार बना रहा हूं तो अभी इसकी हाइट कितनी चाहिए नहीं मालूम है। तो अब चूंकि अब पता चल गया कि इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग आपका 6.5 होनी चाहिए। वीडियो में आप बने रहिए, इसे मैं पूरी तैयारी करके आपको बताऊंगा, इसमें मोटर कैसे फिट किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अभी आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो आप लोगों को बताया था ना कि जैसे कि जहाँ पर चादर लगानी है उसका दूरी जो है मतलब ये थोड़ा सा छोटा हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब इसमें मैंने इसे एंगल बगल में ही जुगाड़ से लगा करके इसे ऊंचा कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता है कि इसकी चौड़ाई हम कितना लें यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इसकी चौड़ाई जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंची के आसपास लिया है। आप लोग जो है इसे 7 इंची ले सकते हैं या फिर 6.5 ले सकते हैं। तो मैंने जो है इसे 6 इंची 2 सूत के आसपास आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने मतलब 6 इंची बहुत है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो 7 इंची भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को कम लगेगा, लेकिन 6 बहुत है। तो 6 इंची इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि चौड़ाई कितनी लेनी है तो चौड़ाई फ्रेंड्स 4 फिट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं अभी आपको नाप कर दिखा देता हूँ इसकी दूरी, देखिए वहां से यहाँ तक कितनी है, एक्यूरेट 4 है। तो बस उसी हिसाब से अभी ये भी आपका 4 ही हो जाएगा। वहाँ से मैं अभी आप इसे लगा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखिए ये भी आपका 4 आ गया, मतलब करेक्ट उसी तरह से फ्रेम के हिसाब से इसकी दूरी आती है, वो तो आना ही है। अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये जो ब्लॉक है, चूंकि मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लॉक को सेट करने के लिए देखिए इधर होल मार दिया गया है और इधर भी होल मार दिया गया है, इसके अंदर आर पार आपको जमीन उधर की देखिए, अब उधर से मेरा पैर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पैर का अंगूठा, मतलब ये आर पार होल मार दिया गया है। अब जो है इसमें जो है उसी ड्रम को सेट किया जाएगा। और फ्रेंड्स नीचे का एंगल जो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने बांधा है ये फ्रेंड्स मैंने 1 इंची में बांधा है। चूंकि मैं आपको बताया था कि जब आप लोग बेचने के लिए बनाएंगे तो ये 2 इंची का एंगल का जो ये बॉर्डर बनाया जाता है वो फ्रेंड्स हैवी एंगल में भी बनाया जाता है और लाइट एंगल में भी बनाया जाता है। तो आप लोग ये काम कीजिएगा कि जब भी इसका बॉर्डर बनाइएगा तो अगर आप लोग इसे लाइट एंगल में बना रहे हैं तो पूरा का पूरा लाइट एंगल में बनाइएगा, अगर हैवी में बनाना है तो पूरा का पूरा आप लोग सब कुछ एकदम हैवी एंगल में ही बनेगा। तो उस क्यों बनेगा, उसका जो है प्राइस उसी हिसाब से तय होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको वो तो आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये 2 इंची का एंगल में जो यहाँ पर जो फ्रेम बना जाता है तो इसका भी ये मुहेरा उसी तरह से बना जाता है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स चूंकि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मैं एक क्लाइंट का जो है जिसका बना रहा हूँ वो एंगल अपना स्वयं दिए हैं, तो उनके पास एंगल की कमी थी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं अपना एंगल लगा दूं, लेकिन वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारे पास इतनी मनी नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर उनका बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है, मतलब आप लोग तो खुद समझदार हैं। मतलब जो अब आप लोग जो इसे बांधिएगा तो आप लोग जो है ये 2 इंची के एंगल में आप लोग ये बॉर्डर इधर से उधर से वो बॉर्डर उधर से फिर वहाँ से एक एंगल इस एंगल में फिर वहाँ से एक एंगल इस एंगल में ले आकर के आप लोग जोड़िएगा तो ये पूरा नक्शा आपका तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ड्रम से और ये चादर के दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब जो होता है ना जो दाता निकला रहता है उसकी और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए मैं नाप कर भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे ड्रम को रख दिया है और जहाँ जहाँ ब्लॉक चाहिए वहाँ वहाँ देखिए मैंने इस ब्लॉक को लगा दिया है, इसके बीच की दूरी जो है नापने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बीच की दूरी इधर का और इसके बाद जो है इधर का दूरी जो है बराबर आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों दूरी बराबर है। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे ये चादर
जो है इससे कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लगभग टेप से मैं अभी आपको नाप के दिखा देता हूँ। इसकी बीच की दूरी जो है लगभग 2.5 इंची के आसपास आनी चाहिए। ये देखिए, ये जो है ना आपका जो ये दाता है, यहाँ से जो है इस चद्दर की दूरी कम से कम 2.5 इंची आना चाहिए। तो देख लीजिए, ये करेक्ट एकदम 2.5 इंची है ही, देख लीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रेंड्स, जब मैंने बाज़ार से कीना हुआ, जैसे कि जब मैंने देखा था धान का मशीन, तो वहाँ पर मैंने देखा वो 3 इंची से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो मेरी अंगूठा है ना, मतलब 3.5 इंची दूरी पर वो बता रहा था। तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जितना ही पास रहेगा, मतलब ये जो है इस चादर के जितना ही पास रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर होगा क्या कि जब धान रखेंगे तो ज़्यादा उन्हें झुकना नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर चद्दर से थोड़ा सा ही आगे रखेंगे तो ये अच्छी तरह से पा जाएगा और धान को सटक देगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये पुली लगाई जाएगी, और यहाँ पर देखिए एक और नया काम इसमें मैं किया हूँ, एंगल जोड़ा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए जोड़ा हूँ कि वो जो मेरे क्लाइंट है वो इस पर मोटर बैठाना चाहते हैं, तो इसी पर मोटर सेट करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे एंगल यहाँ पर जोड़ दिया है, ताकि जो है इसके बीच में जो है वो लकड़ी का प्लाई कस करके फिर जहाँ भी मोटर जिस हिसाब से आएगा अपना गिलमिट से होल करके मोटर को सेट कर लेंगे। और यहाँ पर पुल्ली लगेगी, पुल्ली को भी मैं अभी दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स अब देखिए, इतना सेटिंग करने के बाद ये भी जान गए कि इस दांता से यहाँ की दूरी 2.5 इंची होनी चाहिए। अब ये सब सेटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अब जो है कि अब हमें ये पता करना है कि जो बैरिंग है ये कहाँ पर आएगी। तो बैरिंग का सीधा सिंपल ये कट देख रहे हैं ना आप, यहीं पर ये बैरिंग आएगी। तो यहाँ पर दुधिया से एक यहाँ पर मार्किंग मार लीजिए, और आप लोग जो है एक मार्किंग यहाँ पर मार लीजिए बैरिंग का, मतलब यहाँ पर, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बैरिंग एकदम यहीं पर आएगी। तो आप लोग जो है बगल में जो ये बैरिंग देख रहे हैं, ये भी उसी क्लाइंट ने दिए हैं, तो इस बैरिंग को जो है इसी में घुसा करके, मतलब जहाँ पर दुधिया का निशान मारा रहूँगा वहीं तक इसे सेट कर दूँगा। उसके बाद जो है इस पर पहना करके फिर बाद में जो इस ब्लॉक को इसके ऊपर से रख करके कुछ इस हिसाब से, मतलब कुछ इस हिसाब से बस इसके बाद नट बोल्ट से कस दूंगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। और ये जो होल है, ये होल जो है इस एंगल में कसा जाएगा, मतलब तो ये ब्लॉक जो है ये एंगल में सेट हो जाएगा, और ये जो है इसमें बैरिंग डाल के जब ये कसूंगा तो इसमें बैरिंग सेट हो जाएगी, तो मतलब ये अपने जगह फिक्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स बैरिंग डालने के बाद जो है आप लोग इसमें अगल बगल टाका मार लीजिएगा, मतलब किसी एक और जो है इस बाहर से ही टाका मार लीजिएगा, ताकि जो है बाद में जो ये चीज़ इधर उधर हिले ना। हो सकता है कि अगर बैरिंग आपकी थोड़ी बूढ़ी ढीला हो जाए तो बाद में ये चाल करने लगेगा। तो जब भी बैरिंग आप इसमें कसना तो उसमें जो टाका जरूर मार देना, मतलब इस फेस में टाका जरूर मार देना, ताकि ये अड़क जाए। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख सकते हैं जगह जगह होल है, तो होल से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, ये तो जो एंगल दिए हैं क्लाइंट ने तो उसी में पहले से ही होल था, तो होल से कोई मतलब नहीं है। और फ्रेंड्स पुल्ली को भी मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है ये पुल्ली है, यही जो है इसमें लगेगी कुछ इस हिसाब से, मतलब यहाँ पर ये पुली जो है इसी के अंदर कुछ इस हिसाब से लगेगा। अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आकर दिखा रहा हूँ, जैसे ये पुली जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो इसमें जो घाट बनाए गए हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट इसमें डाल करके जब कस दिया जाएगा, तो ये नट जब इसके घाट में आएगा तो मतलब इसे चाल नहीं बनाने देगा, तो यहीं पर ये पुली मतलब इसी में सेट होगी। तो ये पुली है, और जहाँ पर भी मोटर का मांगेगा वहीं पर इसे सेट किया जाएगा, तो ये जो है इसी में सेट हो जाएगा। तो जब आप लोग बेचने के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, जो खास तौर से आपको ऑर्डर देगा उसी का इस तरह से करना है, बकिया जो है किसी और का नहीं करना है, बकिया तो सब सेम टू सेम जो इधर का फ्रेम है वही सिर्फ आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं बताया है, और वो नहीं बताया जैसे कि इसका पंखा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चूड़ी पेरा गया है ना, तो यहाँ पर पंखा सेट होता है धान उसाने के लिए प्रयोग में आता है, तो वो पंखा कैसे बनाया जाता है उसको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो है इसी वीडियो में सब बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अतः इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स चद्दर लगाने के बाद भी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी देखिए चादर पुराना ही नज़र आ रहा है, वो क्लाइंट का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टुकड़ा मैंने जोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया, यहाँ पर जो है मैंने इधर एक ब्लॉक कस दिया जैसे इसमें बैरिंग लगा करके, और एक जो है यहाँ पर कस दिया, और यहाँ पर देखिए पुल्ली भी लगा करके बगल में मैंने इसे जो नट से कस दिया, अभी भी जाम हो गया, यानी कि अभी बहुत अच्छी तरह से घूमेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये धान का मशीन बन के कम्प्लीट हो गया।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी धान पीटने वाली मशीन बनाने की तरकीब, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अब इसके प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हम इसे किस प्राइस पर बेचेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो के अंदर ही कि ये दो तरह के एंगल में आप बना सकते हैं। पहला 2 इंची का जो है लाइट एंगल और 2 इंची का हैवी एंगल। आप चाहे तो इसे 2.5 इंची का एंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेशन दूंगा कि आप 2 इंची का एंगल लगाएं, क्योंकि अगर 2.5 इंची का लगाएंगे तो जो है उसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा, और वजन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे क्या है कि ग्राहक थोड़ा भड़कते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है 2 इंची के एंगल में बनाएंगे वो सबसे बेटर रहेगा। अब जो इसी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो है 2 मशीन आप तैयार कीजिए, एक जो है हैवी एंगल में और एक जो है लाइट एंगल में। मैं सजेशन पहले ही दे देता हूं कि अगर इसका जो मशीन आप तैयार करें तो यदि हैवी एंगल में तैयार करें तो सारा स्ट्रक्चर हैवी एंगल में ही तैयार करें, अगर जो है कि लाइट एंगल में तैयार करें तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लाइट एंगल में ही तैयार करें। अब जो है तैयार करने के बाद फ्रेंड्स उसे जो है कि जोख लीजिए, मतलब उसमें A to Z जो भी कुछ लग रहा है सब कुछ बना लेने के बाद, सेट करने के बाद सब कुछ एक बार कांटा पर अपनी जोख लीजिए कि वो कितना वजन में आ रहा है। अब जितना भी वजन में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि आप जितना में एंगल खरीदे हैं, मतलब आप मटेरियल जहां से भी ले आते हैं जितना में भी एंगल खरीदे हैं, सपोज दैट यदि आप 70 रुपये किलो पर वहां से लाए हैं तो यहां पर जो है उसका ठीक दुगुना प्राइस रख के, मतलब 140 रुपया किलो रख करके इसका एक जो है रेट निकाल करके आप इस पे बेच सकते हैं। यदि आप लोग 2 इंची के हैवी एंगल में बनाते हैं तो लगभग 6,500 से लेकर के 7,000 रुपये तक इसकी प्राइस आती है, और यदि इसे लाइट एंगल में बनाते हैं तो लगभग आपका जिसे 5,500 से लेकर 6,000 या 6,500 तक इसका प्राइस जो है चला जाता है। तो लगभग यही जो है इसका प्राइस आता है, वो तो तोलने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि एक लाइट एंगल वाला और एक हैवी एंगल वाला जब आप लोग तोल ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो आप उसी तरह से आंकड़ा निकाल लीजिए, क्योंकि एक एक जो है जितना वजन आ रहा है उसका वजन लिख लीजिए कहीं और उसी का प्राइस निकाल लीजिए, ताकि बाद में जो है किसी और को जो खनन ना पड़े, क्योंकि फिर जो है उसी का रेशियो निकाल करके आप जो उसे बेच सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि इसका धंधा आप खोल लेते हैं तो ये एक तरह से आपका बिजनेस ही हो जाएगा फ्रेंड्स, और सीजन में बहुत ही अच्छा खासा जो है इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप जो है यूनिक हो जाएंगे। मतलब यदि आपके आसपास अगर कोई बिल्डिंग की दुकान है, सिर्फ बात है गेट खिड़की जंगला दरवाजा तो सभी होते हैं, लेकिन आप कुछ नया धंधा अगर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो है यूनिक हो जाएगा। मैं यही सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा हट करके काम कीजिए, मान लीजिए बिल्डिंग की दुकान तमाम है, कहीं का कहीं पर कंपटीशन भी हो जाता है, तो आप जो है कि कुछ ऐसा उसमें धंधा जो है कि एक्स्ट्रा जोड़िए अपने दिमाग लगा करके, ताकि जो है कि आपका धंधा जो है उनसे भी बहुत बेस्ट चले। मेरे कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, आप मार्केट में तरक्की तभी कर सकते हैं, सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप कुछ आप हट करके काम करेंगे। हमारे यहाँ देखिए बिल्डिंग की दुकान तो बहुत है, लेकिन कोई भी धान पीटने की मशीन जो है नहीं बनाता होगा, जैसे कि अभी तो मैं इस साल से शुरू करने वाला हूं, तो आप जानते हैं कि कोई भी नहीं बनाता है, तो ये भी एक तरह से धंधा चल गया। समझिए कि स्टील का भी मैंने काम किया तो वो भी यूनिक ही है, और इसके बाद जो है सीमेंट का फ्रेम जो है मैं आपको जैसा कि वीडियो में बता चुका हूं वो भी एक तरह से यूनिक ही है, वो भी कोई नहीं करता। तो आप जो भी काम कीजिए वो यूनिक कीजिए, तभी जो है आपका धंधा चलेगा, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को धान उसाने का जो पंखा जो है उसे कैसे बनाते हैं इसके बारे में A to Z चर्चा करूंगा। तो अब आप लोग जो है चैनल से बने रहिएगा, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत, नमस्कार।